हमारे साथ प्रताप सिंगा जी कोलकाता से मौजूद हैं। नमस्कार प्रताप साहब, पूछिए क्या सवाल है। हेलो, गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ गुड इवनिंग, मैंने एक स्टार हेल्थ से पॉलिसी लिया था जी लास्ट ईयर दिसंबर में, और मेरा रिन्यूअल डेट था 20 दिसंबर 2013। ओके, बट नाउ कुछ रीजन से मैं पे नहीं कर पाया, तो आज मैंने पे किया है जी। मुझे थोड़ा श्योर होना था कि इसका जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो मिलेगा कि नहीं। ओके, जब आपने प्रीमियम, अब तो खैर आपने पेमेंट कर दी है, आपने किसी कंपनी के स्टार हेल्थ से आपने जो पॉलिसी ली है, आपने कस्टमर केयर पे या किसी अधिकारी से आपने बात की है इस बारे में? वहाँ से रेनुअल कलेक्शन के लिए फोन आता था, तो उन लोगों से पूछा था, तो दे सेड कि आपको वो मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मैंने। और क्लेम को लेकर भी आप थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पर कि इस दौरान अगर कोई क्लेम होता है तो उसका क्या होगा? हाँ, वो लोग नहीं, वो स्पेसिफिकली बता दिया था कि इस दौरान अगर कुछ क्लेम होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा जी। बट बहुत सारा बेनिफिट होता है ना कि 3 साल या 2 साल कंटिन्यू होने के बाद ही आता है, लाइक यानी फिलहाल आपने रिन्यू कर ली है पॉलिसी? और इवन बाकी व्यूअर्स भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए प्रताप जी, ऐसा है, आपने चूंकि रिन्यू कर दी है और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का है, तो आपका 20 दिसंबर को ड्यू था, आपने 20 जनवरी के पहले पहले पेमेंट कर दिया, तो जो आप कंटिन्यूटी बेनिफिट जो बोलते हैं ना, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह है या नो क्लेम बोनस वगैरह, वो सब आपको मिलेंगे। और चूंकि आज आपने पेमेंट किया है और आपको मालूम है कि आपका कोई बीमार तो हुआ नहीं है, तो जो जो इस दौरान जो गैप के दौरान अगर कोई बीमार हुआ और क्लेम होता है वो नहीं मिलता है, परंतु चूंकि आज आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका जो कंटिन्यूटी रहेगा और आगे से अभी भविष्य में 2-4 दिन में भी अगर आपको कोई भी क्लेम हो तो आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु बाकी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो प्रीमियम की जो ड्यू डेट है उसके लास्ट दिन तक वेट नहीं करना चाहिए, आपकी ड्यू डेट है उसके 10-15 दिन पहले पेमेंट कर देना चाहिए। कुछ में 30 दिन का है, कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, और कोई कारण से आप नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो आपके जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह के जो कवरेज का बेनिफिट है वो लैप्स हो जाएगा। तो सब व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम 10 दिन पहले आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस का रिन्यूअल का प्रीमियम है वो दे दीजिए। तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी राय यहाँ पर, एक सलाह है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बाकी व्यूअर्स के लिए भी कि आप अपने ग्रेस पीरियड के अंत तक आप वेट मत करिए, बल्कि जो आपकी ड्यू डेट है उसको आप इनफैक्ट अपने कैलेंडर में या कहीं पर भी आप उसको याद रखें कि 10 दिन पहले कम से कम आप चुका दें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी और क्लेम को लेकर भी कोई दिक्कत आप फेस नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इंश्योरेंस बाजार पर हमारी नजर है।